मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली इलाके में आइस फैक्ट्री में शुक्रवार की शाम जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सांस लेने में दिक्कत होने पर लोग अपने घरों के बाहर निकल आए। इसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने गैस रिसाव पर काबू पाया। दरअसल घटना अलमासपुर इलाके के कुकड़ा मंडी रोड की है, जहां शुक्रवार की शाम आइस फैक्ट्री के कंप्रेसर से अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। धीरे धीरे गैस रिहायशी इलाके में फैलने लगी। इससे तेज बदबू से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे अपने घर से निकल आए और सुरक्षित जगह तलाशने लगे। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया। लोगों का कहना है कि आइस फैक्ट्री में इससे पहले भी गैस का रिसाव हो चुका है। रिहायशी इलाके में लगी बर्फ फैक्ट्री से स्थानीय लोगों में हर समय खतरा बना रहता है। कई बार इस बारे में प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सर जो मशीन चल रही थी सर, उसका पाइप लीकेज हो गया था। उसके पाइप लीकेज होने से सर एकदम जैसे रिसाव हुआ गैस का, तो उसी टाइम हमने जो मैन वाल थी सारी वो सब बंद कर दी थी। बाकी जो बॉडी के अंदर जो प्रेशर था नहीं सर मशीन के अंदर, तो वो तो सर लिगड़ना ही लिगड़ना है। वो जैसे ही वो लिगड़ा तो खुशबू फैल गई सारे के अंदर, तो खुशबू फैलने में तो सारे पब्लिक जो है परेशान हो गई। अब हमने सोचा भाई थोड़ा पुलिस को इंतला करनी बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं भाई, सूचना क्यों नहीं करी आपने? तो सर किस चीज़ की दुर्गंध थी जो यहाँ उड़ रही थी? ये सर अमोनिया की थी सर। अमोनिया की थी जी सर। कितना समय हो गया आपकी आइस फैक्ट्री को? ये तो 20 साल हो गए सर। अभी सूचना प्राप्त हुई चार्ली के माध्यम से कंट्रोल से कि अलमासपुर कुकड़ा मंडी के पास बर्फ खाना में राम गोपाल जी का बर्फ खाना है, लगभग ही 18-20 साल से चल रहा है। तो उस समय तो खुली आबादी थी, घनी आबादी नहीं थी, चल रहा था, लेकिन आज जो है उसमें अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर आकर उसको स्प्रे करके ठंडा किया गया और उन अपने उपकरणों के माध्यम से उसके इनकी सहायता लेकर जो वाल्व लीक था उसको नट को कस दिया गया है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत बाहर चुकी वातावरण में आ गया था अमोनिया, अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि नीचे बर्फ खाना चल रहा है, ऊपर रिहायशी भवन है, वो सबसे बड़ी दिक्कत की स्थिति थी। लेकिन अब पूर्णतः नियंत्रण में हो गया है, अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक। सर रिहायशी इलाके में बर्फ खाना है ये नहीं होना चाहिए। अब इसको जिला प्रशासन के माध्यम से लिखा पढ़ी किया जाएगा कि ये बाहर जाए, क्योंकि हम लोग के तो फायर ब्रिगेड के संज्ञान में ही नहीं है कि यहाँ पर बर्फ चल रहा है, क्योंकि अमोनिया गैस खतरनाक होती है और भंडारण नहीं होना चाहिए, घनी आबादी का क्षेत्र है। इसलिए इसको पूर्णतः ये रिहायशी भवन बनाए, अपना बर्फ खाना आबादी से दूर बाहर के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।